हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया हियर। हम आपके लिए लेके आए हैं एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। अगर आप राइट नाउ किसी स्पेसिफिक समवन को चाहते हो, प्यार करते हो और आप जानना चाहते हो कि क्या आपकी शादी इसी इंसान से होगी या नहीं, ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे और चार्म्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि जो भी स्पेसिफिक समवन है जिससे आप करंटली डील कर रहे हो, क्या आपकी शादी इस इंसान से होगी, हाँ या ना। किंग ऑफ वॉन्स, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्स, द डेविल, चैरियट, एस ऑफ कप्स, ऑनली द रेक वी डू हैव द हर्मिट। वेल टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि जो ये पर्सन है जिससे आप करंटली डील कर रहे हो, दिस पर्सन हैज़ बीन वेरी पैशनेट या पैशनेटली इन्वॉल्व आपके अंदर, आपके साथ इस कनेक्शन में, लेकिन इमोशनली थोड़ा मिसिंग सिनेरियो है इस इंसान का। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, स्पेशली जो विंटर जो फेज़ है, जो विंटर का जो एक सीज़न है, यह आपके लव लाइफ के लिए, आपके कनेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है। इस कनेक्शन को लेकर ये पर्सन जो इसने कभी फील नहीं किया, वो ये विंटर का जो फेज़ रहेगा, सीज़न रहेगा, ये आपकी लव लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा जब ये पर्सन इसके बारे में सिग्निफिकेंटली जो है वो सोचना शुरू करेगा। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है जिससे आप करंटली डील कर रहे हो, यू लव दिस पर्सन अलॉट, यू नो, आपके एंड से यू वांट दिस कनेक्शन टू बी गोइंग नेक्स्ट लेवल। लेकिन इस इंसान की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि ये पर्सन हमेशा से जानता है कि इसको आप किस नज़र से देखते हो, लेकिन ये उस नज़र से कभी भी आपको देखता नहीं रहा। और मुझे लगता है कि हमेशा आपके रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ डिलेज ही आए हैं, चाहे वो डेटिंग फेज़ हो, चाहे वो रिलेशनशिप फेज़ हो, चाहे वो आगे चलना आप चलाना चाह रहे हो ये कनेक्शन, इसमें हमेशा आपके साथ, इस इंसान के साथ डिलेज ही आए हैं। बट हैविंग सेड दैट, अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा मिरेकल होगा इस कनेक्शन में जहाँ पर ये पर्सन जो है वो शादी के लिए आपके साथ रेडी होगा, प्रिपेयर्ड होगा, विलिंग होगा और इस कनेक्शन को आगे लेकर चलना चाहेगा। आप ऐसे काफ़ी सारे लोगों के लिए गिवन सिचुएशन में, मुझे लगता है कि जो सर्कमस्टांशियल ब्लॉक्स हैं वो आपको समझ भी नहीं आते हैं कि क्या चीज़ रोकती है इस कनेक्शन को आगे बढ़ने से, इस इंसान के एंड से, लेकिन चीज़ें ऐसे फिक्स हो जाएंगी आपके और इस इंसान के दरम्यान में जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, आप इमेजिन भी शायद नहीं कर सकते हो। राइट नाउ गिवन सिचुएशन में यू आर डिसअपॉइंटेड इन द पर्सन कनेक्शन के अंदर और इस रिलेशनशिप को लेकर जो आप फ्यूचर डिज़ायर करते हो, यू रियली फील लाइक के देर इज़ नो चांस कि आपको इसमें जस्टिस मिल सके। प्रॉब्ली आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होते नहीं देख पा रहे हैं, उनको लगता है कि ये कनेक्शन जो है आगे नहीं बढ़ सकता। बट अगैन अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आएगा इस इंसान के अंदर आपको लेकर। अब वो शिफ्ट क्यों आएगा, ये इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई डिवाइन एक इनर कॉल इस इंसान को बदल दे आपको लेकर, हो सकता है कि एक डिवाइन एक्सपीरियंस इस इंसान को आपको लेकर बदल दे, लेकिन ये एक बहुत सडन शिफ्ट होगा, बहुत सडन चेंज होगा इस इंसान को, यू नो, के दिल में आपको लेकर। और मुझे लगता है कि ये जो सडन शिफ्ट है, ये आप, यू नो, इट्स मोर लाइक ओवरनाइट शिफ्ट, यू नो, ऐसा नहीं होगा कि कुछ दिन सही हो जाएगा और उसके बाद फिर स्लोली जो है वो आपको शिफ्ट नज़र आएगी पर्सन के अंदर टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द कनेक्शन, टुवर्ड्स मैरिज, टुवर्ड्स कमिटमेंट। मुझे लगता है कि एक सडन डेवलपमेंट होगी जो कि पर्सन को चेंज करेगा आपके लिए, और उसके बाद सिचुएशन जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगी जैसे आप चाहते हो। सो आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप जो है वो शादी की तरफ लीड करे, पर्सन आपसे शादी करे, या एटलीस्ट चाहना भी शुरू करें इस चीज़ को। मुझे नहीं लगता कि अभी करंट सिचुएशन में आप हैप्पी सेटिस्फाइड हो इस करंट पर्सन के साथ, करंट सिचुएशन के साथ, लेकिन आने वाले टाइम में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स जो कि इस कनेक्शन को चेंज करेंगे और शादी की तरफ जो है वो आपके पर्सन की जो इंटेंशन है वो उसको उस तरफ लेकर जाएंगे। सो डेफिनेटली आई फील लाइक कि आपकी इस इंसान से यू नो शादी होगी, ये पर्सन शादी के लिए विलिंग होगा और गिवन सर्कमस्टांसिस में इट्स सीम्स वेरी इम्पॉसिबल, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो होंगे वो आपकी ज़िंदगी में मिरेकल की तरह एक ब्लेसिंग जो है वो लेकर आएंगे जो कि आप डिज़ायर करते हो आउट ऑफ दिस कनेक्शन।
सो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शादी करने के लिए यू नो रेडी भी होगा, विलिंग भी होगा और परसू भी करेगा इस कनेक्शन को शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या है. पहले फेरी मैसेज देखेंगे आपके लिए एंड देन फर्दर कार्ड्स ऐड करेंगे. लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज फ्रॉम द फेरीज फॉर यू. क्या है आपके लिए डिवाइन मैसेज फ्रॉम द फेरीज. दो कार्ड्स, एक आपका एक आपके पर्सन का, जस्ट किडिंग, दोनों आपके लिए हैं डेफिनेटली. द फेरी ऑफ टाइम वॉन्ट्स यू टू एक्सपीरियंस एवरी मोमेंट फुली एंड टू मेक द मोस्ट ऑफ योर प्रीशियस टाइम. बी माइंडफुल नॉट टू वेस्ट अदर्स टाइम्स ईदर. सो कोशिश करो कि अपना टाइम जो है वो यूज़ इट वेरी वाइजली, यू नो माइंडफुली यूज़ करो अपना टाइम. ओवर थिंक करके किसी भी तरह से नेगेटिव थॉट के अंदर इन्वेस्ट करके अपने आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, ना ही किसी और पर्सन का टाइम वेस्ट करो गिवन सिचुएशन में. कोशिश करो कि अपने आप को बिजी इन्वेस्ट करो अच्छी चीज़ों में, अच्छे एक्शंस में, अच्छे थॉट्स में, ताकि आपका जो टाइम है वो यूज़फुल वे में यूज़ हो रहा हो, वेस्ट ना हो रहा हो. कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप प्लान कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में जो कि आपको बिजी रखें, इन्वेस्टेड रखें पॉजिटिव वे में और आपको हेल्प भी करें टू ग्रूम, टू ग्रो बेटर एंड मच्योर. सो डू समथिंग जो कि आपको जैसे आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए. ऐसी कोई चीज़ करना शुरू करो, कोई हॉबी, कोई जॉब, कोई साइड बिजनेस, कोई साइड एक्टिविटी जो कि आपको बिजी रखें, इन्वेस्टेड रखें, ताकि आपके जहन में नेगेटिव थाट्स ना आ सकें. ठीक है, क्या सेकेंड कार्ड. Protect your dreams. You are the guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. So, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी dream है, जो भी आपकी desire है around this person, around this connection, around the future that you desire, उसको आपने protected रखना है. Keep it to yourself, keep it to your heart. जितना ज़्यादा ये आपकी क्लोज रहेगी और आप इसे शेयर नहीं करोगे, उतनी ज़्यादा इसकी एनर्जी जो है इंटेंसिफाई होगी और मैनिफेस्टेशन जो है वो जल्दी हो सकेगी. स्पेशली वो लोग जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ये कनेक्शन और अपने आप पूरा एफर्ट कर रहे हैं, अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं टू मैनिफेस्ट दिस कनेक्शन एग्जैक्टली द वे यू वॉन्ट, कि शादी हो जाए, पर्सन शादी के लिए रेडी हो और चीज़ें आगे बढ़ें. मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन टू आपकी जो भी आप टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, यू हैव टू कीप इट टू योर सेल्फ. जब तक ये आपको मैनिफेस्ट होता है अपनी रियलिटी में दिखता नहीं है, डोंट शेयर इट आउट विद एनीवन. लेट्स सी और क्या करने की ज़रूरत है राइट नाउ गिवन सिचुएशन में. बियॉन्ड द ईगो सरेंडर टू द फ्लो ऑफ लाइफ. आप में से कुछ लोग मुझे लगता है कि चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए. यू नो यू डोंट हैव टू हैव कंट्रोल ऑफ ऑल एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ. सरेंडर करो गिवन सिचुएशन को और बिलीव, फेथ इन चीज़ों के ऊपर वर्क करो और देन अलाउ. जैसे मैंने कहा मिरेकल होगा, एक अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट होगा. Allow that shift to happen. Allow that miracle to take place. Or you know, it's more like, अगर आप choose कर रहे हो to stick around और आप choose कर रहे हो to move on from this person, again कोई भी decision लेते हो इस इंसान को लेकर, connection को लेकर, relationship को लेकर, keep it to yourself. Slow down to relax. Break to enjoy the beauty around you. Again, as you wait, while you wait, आपको wait नहीं करना. Basically, that's what you need to do. So it's a very you know, जैसे होता है कि आप obviously you cannot stop waiting or wanting what you want, but अपने आप को इतना you know busy कर लो, उलझा लो life में, कि आपकी सारी बाकी चीज़ें जो रुकी हुई हैं वो सुलझना शुरू हो जाए खुद से, आपका बगैर आपका उसके ऊपर focus किए हुए. So जितना ज़्यादा अपने आप को you know, अगर आपके जहन में क्लॉक टिक कर रहा है कि you know इस टाइम तक हो जाना चाहिए ये सब, इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए, उस क्लॉक को तो एक तो टर्न ऑफ कर दो, क्योंकि वो जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस यू नो क्लॉक टिक करेंगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस ऐड करोगे अपनी ज़िंदगी में. अगेन गिव योर टाइम एंड एनर्जी टू समथिंग जो कि आपको पॉजिटिव रख सके, आपकी ज़िंदगी में एक यू नो एक ठहराव रख सके जिसमें आपको लगे कि हाँ लाइफ जो है वो स्मूथली जो है वो चल रही है और आपको किसी चीज़ की हरी ना हो, यू नो एक हड़बड़ाहट ना हो किसी भी तरह की, तो वो आपकी रिलेशनशिप को आगे जल्दी लेकर जाएगी चीज़. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई सी द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय.